पानी को प्रदूषित करने वाले इंसान की जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर हो सकती है। ऐसा हमने तब महसूस किया जब सिद्धवा नहर के सफाई के तीसरे दिन के अभियान में हम वहां पर मिलने गए। गिल रोड के पास नहर में उतरने के बाद सीजेएम डॉक्टर गुरप्रीत कौर और ममता आशु काउंसलर से जो कई घंटों से यहाँ डटे हुए थे अपने सभी साथियों के साथ और जगह जगह से गंदगी उठाकर बोरों में डलवा रहे थे। वो गंदगी जिसको सारे शहर ने फेंका था, लेकिन उस गंदगी को उठाने वाले चुनिंदा लोग थे जिनको सारे शहर की फिक्र थी। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या हो रहा है। विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर सुखमिंदर सिंह जी सिद्धवा कनाल में उतरते हुए ये आज यहाँ पे खुद सफाई भी करेंगे और लोगों को प्रेरित भी करेंगे सिद्धवा कनाल की सफाई करने के लिए। पंजाब के मशहूर जादूगर मोगैम्बो जी वो भी यहाँ पे सिद्धवा कनाल में आए हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, सेवा करना थोड़ा परम धर्म है। मोगैम्बो जी आप थोड़ा लोगों को संदेश देंगे। सर लुधियाना शहर साड़ा अपना शहर है, जिन्नी असीं इहदे विच गंदगी पावांगे साड़ा शहर गंदा होगा और जिन्ना असीं इहनूं सफाई रखांगे इह दुनिया दे विच उन्ना ही लोकां नूं सोहणा नज़र आऊगा। ते मेरी लुधियाने शहर वासियां नूं इही अपील आ कि सिद्धवा नहर जिहड़ी हैगी आ इहदे विच अपना कूड़ा करकट ना सिट्टो। मंदरां दा अपणियां दा पूजा दा होया जिहड़ा समान वो कृपा करके नदी विच नहर दे विच ना सुट्टिया जावे। यही मेरी अपील है कि नहर नूं पानी नूं साफ सुथरा रखा जाए, शहर नूं साफ सुथरा रखने में सहयोग दिया जाए। धन्यवाद जी। और आप देख रहे हैं कि अभी सिद्धवा नहर में अगर गिल रोड की साइड में जाते हैं तो वहाँ पर एक जेसीबी लगी हुई है जो उसको मिट्टी को इकट्ठा कर रही है, परंतु एक जेसीबी से काम नहीं होने वाला, यहाँ पर और मशीनों की ज़रूरत है। हालांकि लोगों में उत्साह है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और नहर की सफाई भरपूर की जा रही है। देख रहे हैं कि ये लोग भी अभी तो सफाई कर्मचारी है वो भी डटे हुए हैं और एक ही मशीन सिर्फ साइड पे लगी हुई है। और चलते हैं आपको दिखाते हैं कुछ और लोग जो दूर वहाँ पर सिद्धवा नहर की सफाई में डटे हुए हैं। सिद्धवा नहर की इस सफाई की मुहिम को शुरू करने वाली काउंसलर ममता आशु साथ में इनकी पूरी टीम है। आप देख रहे हैं कि पूरी मुस्तैदी से ये लोग डटे हुए हैं और एक दिन नहीं कई दिनों से ये लोग डटे हुए हैं और नहर की सफाई में इनका भरपूर योगदान हो रहा है। आज यहाँ पर गिल रोड पर जो मुहिम चल रही है, ममता टीम ने शुरू की मुहिम सारे लुधियाना में, फिर यहाँ पर सीजीएम साहब डॉक्टर गुरप्रीत जी और इनकी पूरी टीम ने आधी नहर तो उन्होंने साफ कर ही दी है, बहुत इनका प्रेजेबल काम। आज मैं टीवी के माध्यम से आप सभी को एक बात कहनी चाहूँगा, कल मैंने देखा बड़ी बड़ी हरी चादरों में कोयले लपेटे हुए हैं, बांधे हुए हैं और नदी में दबे हुए हैं, वहाँ से वो निकल के सारे डंप में चले गए। आपका बुध भी खराब हो गया, आपका राहु भी खराब हो गया, घर में क्लेश आपके शुरू हो जाएगा और आपको शांति मिलनी ही नहीं कभी। अब एक चीज़ का खास ख्याल रखो, अगर नहर में आप प्लास्टिक को डालोगे, लिफाफों को डालोगे तो आप लोगों का बृहस्पति खराब हो जाएगा, अगर महिलाएं ये उपाय करती हैं तो उनका तलाक हो जाएगा, अगर पुरुष ये उपाय करते हैं उनका समाज में से सभी से कट ऑफ हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, सेहत खराब हो जाएगी, अस्पतालों के चक्कर काटेंगे। और दूसरी बात, जो लोग यहाँ पर मिट्टी की चीज़ें फेंक देते हैं, घर में पुराना खड़ा हुआ यहाँ फेंक दिया, पुरानी मूर्तियाँ हुई यहाँ फेंक दी, पुरानी फोटोज हुई यहाँ फेंक दी, कबाड़ हुआ घर का यहाँ फेंक दिया, तो एक चीज़ का निश्चित रूप में आप पक्का देख लो कि आप अपने चंद्रमा को खराब कर रहे हो। टेंशन डिप्रेशन से आप कभी बच नहीं पाओगे, 10-10 गोलियाँ दिन की खाओगे। मैं पूरी चेतावनी देके जा रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मेरी बातें झूठ है तो मैं जर्नलिज्म भी छोड़ दूंगा और मैं ज्योतिष भी छोड़ दूंगा। इस नहर को बचा लो वरना आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। नमस्ते। मैंने मैक्सिमम कल देखा जब ममता जी के साथ हम थे तो अभी इन्होंने भी मुझे बताया कि नहर में मैक्सिमम लाल चुन्नियाँ यहाँ पे मिल रही हैं,
तो दूसरी जगह पे हमें मिली थी मैक्सिमम हरी चुन्नियाँ, लोगों के कंबल, मरीजों के गद्दे भी कल हमें मिले हैं। एक बात बता दूं कि आप मंदिरों में या धर्मस्थलों में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कहीं भी आप लोगों को चुन्नियाँ दे के सम्मानित करते हो, मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि ये काम आप प्लीज़ ना करो, क्योंकि जो चुन्नियाँ आप लोगों के गले में डाल के उनको सम्मानित करते हो, वो यहाँ नहर में गंदगी के ढेर में गंद बनी हुई हैं, तो पाप लग रहा है सम्मानित करने वालों को भी, पहनने वालों को भी, जल प्रवाह करने वालों को भी। इसकी बजाय जितने भी धार्मिक जगह है, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग वहाँ पे सिर्फ पौधे दो उनको, जब सम्मानित करते हो अगर आप उनको पौधे देते हो तो वो यहाँ नहर के किनारे लगाते हैं, खाली जगह के किनारे लगाते हैं, तो ही हम अपने शहर को बचा पाएंगे। थैंक यू। राजेंद्र सिंह एंड आई एम फ्रॉम जीजीएम खालसा कॉलेज, रिटायर्ड फ्रॉम जीजीएम खालसा कॉलेज। मैं लोगों को अपील करनी है कि जल ही जीवन है, असी सारे धर्मों के जल में बड़ी महत्ता दें और खास तौर पर गुरबाणी से पवन गुरु पाणी पिता, असी इस पाणी को पिता मानते हैं और फिर असी अपने पिता को अपवित्र करते हैं। ये किधर का धर्म है और किधर की असी साड़ी सिक्ख्या हैगी है, और जो भी है जब तक असी जल में बचावे नहीं कभी भी नहीं जीवन बचेगा। दुनिया से जिते भी सभ्यता हुई है, पिछला तुम 2-3-4 साल का इतिहास देख लो, 4-5 हज़ार साल का इतिहास देखो, जिते भी कोई सभ्यता से वो पानी के किनारे से, और जो असं पानी के सोर्स नहीं होंगे तो असं कुछ नहीं बचेगा, ना कोई जानवर बचेगा, ना कोई ग्रीनरी बचेगी, ना कोई इंसान बचेगा। और सानू इस जल में बचाने के लिए नदियों को पवित्र करना और अपनी सोच में पवित्र करना, वो मैं सुखविंदर जी का खास तौर पर धन्यवाद है। इन्होंने जोड़े शब्द कहे ने ग्रहों की जी दशा दसी है, इनकी स्टडी है जी बहुत कमाल की है, और जदों सारे ज्योतिषी सारे धार्मिक आगू इस तरह की सिक्ख्या लोगों को देंगे कि तुम जो जल से कपड़े पाओगे या होर कोई गंदी चीज़ पाओगे तो थोड़े वो ग्रह खराब होंगे, ठीक होने की बजाय, तो ये बहुत जरूरी है। और जो असी अपनी आने वाली जनरेशन में हैल्थी रखना चाहते हैं, जिमें अथलैटिक्स बैटन एक्सचेंज होंगी है, बैटन से असं स्पीड ना जो बैटन फाइए तो विन करते हैं, इस तरह ही असं अपनी नैक्सट जनरेशन में हैल्दी पानी, हैल्दी इनवायरमेंट दे के जावे तो बचणगे नहीं तो मर जाएंगे, साडा खुरा खोज भी मिट जाएगा। तो साड़ी ये जिम्मेवारी बनती है, अखलाकी जिम्मेवारी है कि असी जल न और वातावरण पवित्र बनाइए, पवित्र बना के रखिए ताकि साड़ी आने वाली जनरेशन बच सके, साड़ा नेशन बच सके। थैंक यू। मन्ना सोनी, इलाहाबाद बैंक मैनेजर, राजपुर नगर ब्रांच। आज मैं यहाँ इस मुहिम में साथ जुड़ी हूँ नहर की सफाई में। मुझे लगता है कि हम सबको आगे आना चाहिए, समाज भी, हम सामाजिक तौर पर जब रहते हैं तो हमारा ही जिम्मेवारी बनती है कि हम आगे मिलकर अपने वातावरण को शुद्ध करने में सहयोग करें, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे ज़्यादा जो है बुद्धि दी है अपने आसपास के वातावरण को समझने की, उसको सफाई रखने की। अगर हम ही पीछे मुड़ जाएंगे तो सफाई कौन करेगा? आज जो हम इस टाइम पे भी अपने आप और सराउंडिंग सभी नॉर्दर्न इंडिया में सभी जगह पर जो ये पॉल्यूटेंट्स देख रहे हैं, ये क्या है? ये आगे जाके हम सबको खोखला बना देगी शरीर को, और इफ़ वी विल नॉट प्रोटेक्ट अवर दिस जनरेशन तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो वैसे भी कुछ बचने नहीं वाला। एंड अगर आप घर पे बैठ के हाथ पे हाथ रख के सिर्फ और सिर्फ ये कमेंट करना चाहते हैं कि हमारे सिर्फ एक के करने से क्या हो जाएगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि एक एक घंटा अगर हम सब लोग सहयोग देंगे तो हम लुधियाना को ही नहीं अपने इंडिया को भी द सुपर क्लीनेस्ट कंट्री बना सकते हैं। थैंक यू। जिमें तमन्ना सुंदर ने हमने दसिया कि सू हरेक योगदान पाना चाहिए, ये एक छोटी जी कहानी मैं कहाँगा। एक बार जंगल अग लगी और एक चिड़ी जी सी वो नदी चो एक चुंज भर के लिया के जल उस अग पर पावे और कोशिश कर रही थी अग बुझाने की, तो वो साथी चिड़िया कहदियाँ तू की बेवकूफी कर रही है, इन तो बहुत वड़े वड़े फायर ब्रिगेड नहीं बुझा अग बुझा सकते, तू ये किस तरह बुझा लेंगी? तो चिड़ी ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिता जो साढ़े लिए बहुत जरूरी है समझ लेना। चिड़ी कहती, जब भी इस आग का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वाले नहीं आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा। सो मेरा जो नाम अग सू सारे ये जिम्मेवारी समझनी चाहिए है, चाहे असं एक लिफाफा भी चाहे सिटते हैं तो साडा नाम पोल्यूशन करने वाले नहीं पोल्यूशन को बचाने वाले चाहे, यही मेरा मैसेज है। इस हमारे साथ है जादूगर मोगेम्बो जी। मोगेम्बो जी, ये क्या आप हाथों में आज थामे हैं, बताइए। सर, आज हम सिद्धवा कनाल में यहाँ सफाई अभियान में सारे जुटे हुए हैं, मेरे साथ समाज सेवी संस्थाएं हैं हमारे साथ, और हमारी DLSA की टीम जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पे आज जुटी हुई है। नहर में तरह तरह का हमारे को सामान मिल रहा है, लोग अपने घरों से सामान निकालते हैं, पूजा का सामान निकालते हैं और नहर में डाल देते हैं गंदगी डालने के लिए। ये कुछ कपड़े हमें मिले हैं, रंग बिरंगे कपड़े सिद्धवा नहर से। तो मेरा
शहर की जनता को, पब्लिक को एक निवेदन है कि अगर आप धार्मिक हो, अपने धर्मों की आप इज्जत करते हो, तो कृपया अपने धर्म की ऐसे बेअदबी ना करें कि अपने मंदिरों के कपड़े, दरगाह के ऊपर चढ़ाने वाली चादरें ऐसे कूड़े करकट के ढेर में ना डालें, ताकि आपके धर्म की बेअदबी ना हो। हमारे साथ हैं हमारे एशियन क्लब के सीनियर पैट्रन अशोक धीर जी। धीर साहब, आप आज इस माहौल के बारे क्या कहना चाहोगे? मैं एशियन क्लब की तरफ से अपनी टीम के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ लहर की सफाई के लिए। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है कि लुधियाना के सिटीजन इतना नहीं समझ पाते कि अगर हम अपनी नहरों को स्वच्छ रखेंगे तभी हमारा जो जीवन है वो तंदुरुस्त रहेगा और स्वस्थ रहेगा। अगर हम ऐसे गंदगी डालेंगे, ये देखिए आप इधर थोड़ा फोकस कीजिए, ये एक मूर्ति है, मूर्ति किसी ने डाली, ये मूर्ति का एक अंश है, आप मूर्ति का खुद ही निरादर कर रहे हो। ये इतनी लाल चुनिया, हरी चुनिया, मैं तो सभी एस्ट्रोलॉजर को भी अपील करना चाहूँगा कि जो जल प्रवाह का जो आप उपाय बताते हो तो वो प्लीज़ 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 आने वाली जनरेशन के लिए वो बंद कीजिए। अगर आपने उपाय करवाने हैं तो उनको प्लांट्स लगाने का करें, अगर हवन की सामग्री डालनी है तो उनको ये उनको प्रेरित करें कि जो सामग्री है वो गमलों में डालें या खेती बाड़ी की ज़मीन में डालें, ताकि ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ हो सके। इस गंदगी से तो हमारे भविष्य, हमारा आने वाली जनरेशन का भविष्य ख़राब हो जाएगा, मैं ये समझता हूँ। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि जितनी भी धार्मिक जगह पर चुन्नियाँ आपको भेंट की जाती हैं, चादरें भेंट की जाती है, तो आज वो कूड़े के ढेर में हैं। तो इसका मतलब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनकी कैसे बेअदबी होती है। इसलिए एक तो आप इनसे सम्मानित करने को बंद करने की कृपा करें और साथ में नहर में ये चीज़ें बिल्कुल ना फेंकें। हर तरफ से देखते हैं तो नहर सिर्फ ये पवित्र चुन्नियों से ही भरी पड़ी है। तो मैं नहीं समझता कि इनको सम्मानित करने वालों को माँ का कोई आशीर्वाद मिल पाएगा अगर ये नहर में इस गंदगी में ही मिली हैं। तो प्लीज़ इनको जल प्रवाह मत कीजिए। और ये बड़ी बड़ी चादरें निकल रही हैं, तो नहर सिर्फ इन चुनरियों, चादरों से ही ज़्यादातर भरी पड़ी हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की ये बात है कि यहाँ पर जहाँ नहर की सफाई में सिर्फ एक काउंसलर ममता आशु नहीं, जितने भी लुधियाना के नेता हैं उनमें पहल की है, तो बाकी के काउंसलर्स भी मैक्सिमम सो रहे हैं और अपने आप को लीडर कहने वाले भी लोग सो रहे हैं। पता नहीं कब जागेंगे, जब पानी ख़त्म हो जाएगा। इतना आसान नहीं है नहर से इन चीज़ों को निकालना। कहीं नहर में बैनर्स हैं, कहीं नहर में कपड़े हैं, कहीं फ्लैक्स बोर्ड्स हैं। फ्लैक्स बोर्ड्स अगर आप नहर में डालते हो धार्मिक चीज़ों के, तो निश्चित रूप में आपका बृहस्पति खराब होगा ही होगा, बीमारियां आपको आएंगी ही आएंगी। इसलिए जितने भी आपके पुराने फ्लैक्स बोर्ड्स हैं, चाहे धार्मिक हैं, उनको जला दीजिए। उनकी राख को आप पौधों में डाल सकते हो, या जो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा बन गया उसको आप डंप में डाल सकते हो, लेकिन प्लीज़ नहर को और पानी को गंदा ना करो, जहरीला ना करो। देखिए ये हार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसी चीज़ें बहुत हैं जो गलत है, यहाँ नहीं फेंकनी चाहिए। फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुखविंदर कौर। वेरी गुड मैम, तुसी इत्थे सफाई दा बड़ा वड्डा सहयोग दे रहे हो नहर दे विच, ते की कहना चाहोगे दे बारे? असी यही कहना चाहवांगे कि वातावरण नू आपां प्रदूषित ना करिए। जिस तरह साडे गुरुआं ने कहा है, पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, इन्ने साल पहला सदियां पहला अगर गुरबाणी दे विच इह वर्ड्स आए ने तां इहदे पिछे जरूर कोई ना कोई मतलब होएगा जिहड़े साडे महापुरश ने कहा है। लेकिन अज असी अंध विश्वास दे विच पै के बहुत ही गलत काम कर रहे हैगे आ, जिहदे विच असी इह देखो तरह तरह दीआं माला जिहड़ियां किसी ना किसी देखो मूर्तियां दे उत्ते हो सकदा है इह पईआं होण, और किन्ने बहुमुल्य ये रतन हैगे ने जिन्हों आप इस तरह नदियों के बहा रहे हैं। ये घर की शोभा भी बन सकते हैं, इसनों तुसी डेकोरेट भी कर सकते हो सामभ के, ता कि साड़ी आने वाली जनरेशन देखे। लेकिन जो इत्थे अलग अलग चुन्निया रुमाले और इस तरह दिया माला मूर्तियां असी जल प्रवाह कर रहे हैं, ये नाल साड़ा जो वातावरण है, साड़ा पानी है वह प्रदूषित हो रहा है। यही नहरों का पानी अगे जाके प्यूरीफाई करके साढ़े पीण के काम आता हैगा, तो तुम सोचो कि इस तरह के गंदे पानी नू किन्ना टाइम लगेगा प्यूरीफाई करन दे, किन्ना साड़ा पैसा खर्च होएगा, वो पैसा कितों आना है, साड़ियां जेबां दे विचों ही जाना हैगा। अगर असी अपने आप नू, अपने बच्चों नू, अपने समाज नू चाहते हैगा कि उन्हां दा आने वाला भविख वधिया होवे,
तां सानू एक पहल करनी चाहिए है, नहरां नदियां की सफाई करनी चाहिए है। और यह जिहड़ा अभियान जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी CGM मैडम गुरप्रीत कौर और PLV सारे अपने अलग अलग साढ़े भी धार्मिक मटेरियल आपके सामने है और ज़्यादातर ये चुनरियाँ ही है जो अलग अलग धार्मिक स्थलों पर भेंट की जाती है। गंदगी आप लोग डाल रहे हो और सफाई ये लोग कर रहे हैं, वाकई बहुत बड़ी शर्म की बात है। इसलिए प्लीज़ स्टॉप दिस और इनको आप नहर में डालना बंद कर दीजिए। और आप देख रहे हैं यहाँ भी चुनरियाँ निकल रही हैं और यहाँ भी धार्मिक सामग्री ही ज़्यादा निकल रही है। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे अनपढ़ ज्योतिषी हैं मैं कहूँगा कि जो ऐसी चीज़ों को जल प्रवाह करवाते हैं, और ऐसे लोग हैं जो शायद मैं उनको पढ़े लिखे नहीं मानूंगा, जो लोग इन चुनरियों को यहाँ पर डाल जाते हैं। किसी गरीब को आप दे सकते हो और धार्मिक जगह पर आप चुनरियाँ बंद करके सिर्फ प्लांट्स ही वहाँ पे दे सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से नहर प्रदूषित नहीं होगी। हमारे साथ हैं लुधियाना की CGM डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी। और सबसे पहले ये जज साहब गुरबीर जी और लीगल अथॉरिटीज़ और इनकी पूरी टीम सभी को साथ लेकर इस नहर में उतरी। तो डॉक्टर गुरप्रीत जी, CGM साहब, आप बताइए कि आपको एक कैसा सुकून महसूस हो रहा है और लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? एज फार एज जिस सुकून क्या है, वी आर रियली फीलिंग ब्लैस्ड, वी आर रियली फीलिंग हैप्पी दैट कुछ असी किया जिदे नाल असी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाए इस इनवायरमेंट साफ रखने वास्ते। हो सकता है हुण तक जाने अनजाने साढ़े तो भी गलतियाँ हुई हो, असी भी कितने ना कि पोल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट किया हो, बट द डे आई वी हैव पार्टीसिपेटेड इन दिस कैंपेन करन तो बाद हुण इन्ने ज़्यादा असी जागरूक हो चुके हैं कि नो पोल्यूशन, प्लास्टिक नू तां दूरों दूरों तक ना है। तो असी इस चीज़ की सानू बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, लुधियाना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बच्चे, खालसा कॉलेज के बच्चे, साढ़े पैरालीगल वॉलंटियर्स एडवोकेट्स, उन्होंने इन्नी ज़्यादा खुशी नाल ते एनर्जी नाल काम किया। एंड कॉमन परसन, ईवन एडवोकेट्स हू आर नॉट पार्ट ऑफ द पैनल, वो भी साढ़े लिए आ रहे हैं कि मैम वी वॉन्ट टू बी दी पार्ट ऑफ द कैंपेन। दिस इज़ एन ओपन कैंपेन, ये असी एक शुरू की है जिहड़ी असी अपने लैवल पर की है एंड इट विल कंटिन्यू। जिवें ये कैंपेन है दो वी आई हैव स्टार्टेड इट बट इट विल कंटिन्यू फॉर द होल ऑफ माई लाइफ, जिथे भी मैं जावांगी। सो ये साडी सारयां दी कैंपेन है जिहड़ी उदों तक चलेगी जदों तक असी इस धरती ते हैगे ते असी कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके नाल करदे रहना। सो माई ओनली मैसेज के नो टू प्लास्टिक, नो टू पोल्यूशन एंड वी मस्ट डू वन थिंग, एक दिन च असी कुछ ऐदा दा काम करिए जिहदे नाल असी अपने एनवायरमेंट नू साफ करीए। आज की इस कवरेज के समय एक ही बात मन में आ रही थी, जब मैं पूरी तरह से भावुक था कि बहुत महान है CGM डॉक्टर गुरप्रीत कौर जैसे लोग, बहुत महान है काउंसलर ममता आशु जैसे लोग, बहुत महान है वो सभी लोग जो इन सभी के साथ थे। आज की सुबह अपने अपने घरों को छोड़कर, और जब सुबह एक इंसान सपना लेता है कि आज का दिन कैसा होगा, और उस समय में ये सभी मिलकर सारे शहर की गंदगी को साफ कर रहे थे, इस नहर को क्लीन कर रहे थे ताकि ये पानी साफ हो, खेतों तक जाए साफ हो, अनाज में लगे साफ हो, इसको हम पिए तो साफ हो, इसमें जहर ना हो। हम सल्यूट करते हैं वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से इन सभी के इस जज्बे को। लेकिन अफसोस, ऐसे समय में लाखों लोग लुधियाना में सिर्फ सो रहे थे, अपने अपने कामों में, अपने अपने मतलब में चूर थे, जिनको जरा भी ख्याल नहीं था कि हम भी आए और कम से कम एक घंटा या आधा घंटा ही इस मुहिम में शामिल हो जाएं। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बंद कर दीजिए नहर में कुछ भी फेंकना, और कसम खा लीजिए कि आपने शहर को क्लीन बनाना है, ग्रीन बनाना है, तभी डॉक्टर गुरप्रीत कौर CGM और ममता आशु काउंसलर और इनके सभी साथी जिन्होंने लुधियाना के लिए बहुत कुछ किया, उनकी मेहनत सफल हो पाएगी। बाकी अगर मैं कुछ ज़्यादा कह गया और किसी को कुछ भी बुरा लगा, किसी का मन आहत हुआ, तो माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जल को बचाने के लिए आपको भी आगे आना ही होगा, एक बार आना ही होगा।
वॉइस ऑफ एशियंस से सुखविंदर सिंह लुधियाना।